बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। एक वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं 20 साल का था, शिंगाई इंडस्ट्री जलान कापर बातु दुआ, वहाँ पे काम लगा। एक साल मैंने काम किया तो काम छोड़ के फिर मैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी में गया। वहाँ पे साइनबोर्ड बनते थे, वो साइनबोर्ड बनाता था, पेंट करता था, उसको गाड़ के भी आता, लिखाई चाइनीज़ करते थे। तो वहाँ पे कुछ अर्सा मैंने काम किया तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना। कुछ देर बाद वो पकड़ा गया काम करते जाते हुए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, अकेला था पहले भी, थोड़े एक दोस्त मिला तो वो भी पकड़ा गया, वो भी मेरी हेल्प के लिए कि चलो हम इकट्ठे काम करते हैं, मैं भी करता हूँ तो चलो गुजारा ठीक हो जाएगा। वो 3-4 दिन तो पता ही ना चला, एंड पता चला कि वो पकड़ा गया। वो है फोर्ट कलांग कैंप में। अब उसके पैसे टिकट देनी है। मैंने भाग भूक के पैसे लिए कुछ उधार बहुत से, जाके उसकी टिकट दे के आया। खैर उससे मेरी मुलाकात हुई, वो अपनी मुल्क चले गए। जब मैं वापस आया मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मैंने वहाँ से काम छोड़ा। काम छोड़ के मैं केएल आ गया, कलांग से केएल। ये तकरीबन 1.5 साल बाद मैं केएल चला गया, बड़ा शहर है, कुआलालंपुर बोलते। अब मेरे पास पैसे थे तकरीबन ऐसे ही जैसे अब है कि होटल में रह नहीं सकते, होटल में 2 दिन रहेंगे तो गुम हो जाएंगे। तो पैसे उतने थे कि रोटी कुछ 10-12 दिन खा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सारा दिन उधर उधर घूमना, रेस्टोरेंट पे बैठना, काम वगैरह का पता करना, क्योंकि हाथ वगैरह पड़ जाए, क्योंकि नया इलाका था। सारा दिन बैठा रहा, शाम हुई तो पता भी था लेकिन किसी ने नहीं कहा कि चलो यार मेरे साथ आप इधर आ जाओ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक जलानी को पे एक हॉस्पिटल के साथ एक पार्क था, वहाँ पे जाके बैठ गया। बैठा रहा, मच्छर था बड़ा, बेंचों पे बैठ गया, अच्छा पार्क बना था, वहाँ पे बैठा रहा। सुबह हो गई, कुछ सोया कुछ ना सोया, सुबह हो गई, मुँह हाथ धोया, फिर मार्केट चला गया। अब वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आई नए बंदे को, कुछ मुझे भी ज़ाहिर है कि झुकने का तरीका नहीं कभी आता था, कि समथिंग लाइक आई वाज वेरी शाय टू आर समथिंग यू नो इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ नाउ। तो मुझे 4-5-6 दिन हो गए, मैं रात को आके उधर बैठ जाता था पार्क में। वो एक सुंगाई है, सुंगाई उसको वो दरियाक बोलते हैं, उसके ऊपर था वो। लोग सुबह सुबह आते थे वॉक वगैरह करने, तो मैं फिर उठ पड़ता था, मैं खड़ा बैठ जाता था। तो एक दिन ना एक स्कूल टीचर था, वो आ गया, कहता यार तुम एक्सरसाइज करने आते हो या वॉक करने आते हो, लेकिन तुम्हें कभी वॉक करते नहीं देखा। मैंने कहा सर मेरे पास घर नहीं है इसलिए मैं आके यहाँ पर बैठ जाता हूँ। वो हैरान रह गया, कहता यार तुम्हारे तो पाकिस्तानी इतने हैं। मैंने कहा किसी ने मुझे कहा ही नहीं, तो मैंने किसी को कहा ही नहीं, तो इधर मुझे 6-7 दिन हो गए मैं आ रहा हूँ। उसने कहा चलो मेरे साथ। अब उसके साथ चले गए, उसने चाबी बनाई, अच्छा खासा फ्लैट था ये, उसने दिया जितनी देर तुम रह सकते हो रह लो, जब तुम्हारे काम का हो जाएगा तो। पे एक महीना मैं रहा बहरहाल, फिर मुझे काम मिला कहाँ, मस्जिद इंडिया में। एक बॉबी नाम का लड़का था, वो भी मेरा वाकफ़ कैसे बना था, कोई एक मेरा एक भाई था अबू हसन, चाइनीज़ मुसलमान था, मैमून उसकी माँ का नाम था, शंघाई इंडस्ट्री में वो फोरमैन थे। तो उसकी एक सिस्टर थी, उसका नाम क्या था, स्वाडा। तो उसके साथ वो मुझे मिला था, तो फोन उसने मुझे दिया था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा तुम मस्जिद इंडिया आ जाओ। तो मैं मस्जिद इंडिया गया तो पता चला वहाँ पे वो फ़ोन चला रहा है, 2 रुपये मिनट का चलता होता था सिलंगर मेंशन पे।
काफ़ी जगह पे चलता था। तो वहाँ पे मेरा काम क्या था, शुरू में दरवाज़ा खोलना कि देख के खोलना, क्योंकि ये पता नहीं किसी के साथ पैसे मुक्के होंगे सी, तो इस वास्ते कुछ थोड़ा ना लुक लगा करना पैदा, पहले देखना पैदा ही फिर दरवाज़ा खोल के तुम बांटना। तो दरवाज़ा खोलते खोलते थोड़ा पता चला तो फोन पर भी बैठना शुरू हो गए। एक दिन करना खुदा का ऐसा हुआ, छापा पड़ गया, मैं और मेरा दोस्त जो दूसरा, अब वो दरवाज़ा खोलता था मैं फ़ोन पे बैठता था, थोड़ी तरक्की होगी ना। तो अब फ़ोन वगैरह हमने बैग में डाले, अब सातवें फ्लोर पे थे, हम आठवें छत पे चले गए दोनों, जितनी देर तक उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना वगैरह था। अब ऊपर चले गए तो अब मैं सोच रहा हूँ करना क्या है, तो उससे पहले शमीम भाई ने पता क्या किया, पाइप के ज़रिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। अब वो एक बंदा पाइप के ज़रिए नीचे आ रहा, वो भी इतनी ऊँची बिल्डिंग से, तो लोगों ने तो शोर मचा दिया कि आडा औरंग आडा औरंग आता साडा औरंग, भी ऊपर आदमी है। मैंने कहा लो भी आप पड़ गए, मैं तो बचा और तू नहीं बचता, मैं भी भागा छत पे, फिर मैं वाला सीन सही छत पे भागा। तो एक कॉर्नर पे, लास्ट कॉर्नर पे एक साइड पे ना मुझे एक अंधेरा, वो जहाँ पे उतरा था वहाँ पे से थोड़ी रोशनी थी ना, लेकिन उधर मैं घुप बने रहा था। अब मैंने कहा आप ऊपर तो उन्होंने आना ही आना, तो मैं फिर नीचे पाइप के ज़रिए नीचे, मैंने कहा चलो कोई ना कोई दरवाज़ा तो होगा ना। अब वो आठ मंजिली में पाइप के ज़रिए नीचे उतरा गया। जब मैं नीचे उतरा देखा कोई रास्ता नहीं है, दरवाज़ा है ताला लगा हुआ। अब मैं अगर उसको बुलाता भी हूँ तो ज़ाहिर है उन्होंने पकड़ के पुलिस को पकड़ा देना था, लो भाई पकड़ा गया खुद ही, पूरी गेम थी ये मेरे। तो दो ढाई घंटे मैं वहाँ पे बैठा रहा, जब तक मुझे पता चला कि ये चले गए होंगे। फिर मैंने अब ऊपर को सफ़र किया, ऊपर चढ़ना शुरू किया। हमारे बचपन में गोल खंभे होते थे कसूर में, अभी तो ये वो सीढ़ियों वाले होते ना, उस वक्त गोल होते थे, तो वो उसके पास सीढ़ियों वाले लगे तो ये खाली पड़े होते थे। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, बच्चे वो ना खंभे के ऊपर चढ़ जाते थे सारे बच्चे तकरीबन, तो थोड़ा सा पता था मुझे बचपन का, तो वो स्किल काम आया। मैं तकरीबन आता रहा ऊपर, और जब मैं तकरीबन छठे फ्लोर पे आया था तो बाथरूम के साथ ही ये पाइप होते हैं, बत्ती जली, किसी ने नहाना शुरू कर दिया, मैंने कहा मर गया था दे। अब ये पता नहीं कितनी देर लगाए, अब मैं नीचे लटका रहा, जफ्फा पाई रखा कितने पैर एक अद्धी जगह से हटा लिया मैं। अब जब उसने नहा के चला गया वो, तो बंद की लाइट, तो मैं ऊपर आया। ऊपर आके मैंने थोड़ा सांस लिया, लम्बा पड़ा, थोड़ा सुकून आया। अब मैं गया उसी घर जहाँ पे छापा पड़ा था, वहाँ गया। अभी मैंने थोड़ा सा आगे हुआ हूँ तो वो दूसरे लोग तो जा रहे थे, जो तमाशा देखने वाले थे ना वो अभी बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फिर देख लिया। उसने कहा आडा और, मैंने फिर दौड़ लगा दी। अब मैंने कहा मैं ना तो नीचे जा सकता हूँ ना मैं ऊपर आ सकता हूँ दोबारा, क्योंकि इतना बड़ा मुश्किल होता है, आठ मंजिलें आपने चढ़नी है और उतरनी है, उतरने से तो नहीं चढ़ने का बड़ा फिर। हाँ मैं आपको एक्सप्लेन, जब उतरना है ना वो बड़ा बिकेयरफुल उतरना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसमें ज़्यादा गिरने के चांस होते हैं, चढ़ने में तो आप वैसे ही जोर लगा के चढ़ रहे होते हैं। तो वो अब मैंने कहा नीचे तो नहीं जा सकता मैं, मैंने क्या कहा, एक साइड पे एक दीवार थी मैं उसके साथ लेट गया, मैंने कहा अब आ जाओ भाई पकड़ लो जिसने पकड़ना। बहरहाल उन्होंने टेंकी जो होती है ऊपर वहाँ पर चढ़ के लाइटें लूटें मारी, सिविलियन लोग थे वो चले गए। मैं घंटा दो घंटे फिर होते उन्हीं देर में पाँच छः बज गया सुबह। अब मैं आया उसी घर के, कपड़े चेंज किए, कपड़े फट गए थे थोड़े, और सीढ़ियों के ज़रिए मैं नीचे आया। जब मैं नीचे आया मुझे देख के सारे हैरान कि ये कैसे बच गया, पूरा वो ये भी वो शफीक को पकड़ के ले गए, ये वो भी फिक्स हो गया था मैं पूरा, हो तो चुका था, प्लानिंग तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हुआ क्या, वो जो मैं आठ मंजिलें चढ़ गया ना हिम्मत करके, उसने मुझे पकड़ा जाने से बचाया, क्योंकि मुझे पता था उस वक्त अगर मैं पकड़ा भी जाता ना शायद कोई पीछे भी ना था, क्योंकि अभी नया नया था मैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आठ आठ छः छः साल साल भी जिनको टिकट नहीं ना मिलती तो वो बैठे रहते हैं कि उनकी टिकट आएगी, दो दो साल बैठे रहे हैं लड़के कि टिकट आएगी तो जाएंगे, फिर कोई ना कोई खराती टिकटें दे देता है
या जिसका कोई हो पीछे, तो उसकी टिकट पहुंच जाती है तो वो जल्दी चला जाता है। तो सारे हैरान रह गए। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ के मैं सिटी टावर जलाना रोड चला गया। ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी सर। अब आहिस्ता से देखें मैं क्या, मैं जिन लोगों को, जो लोग मुझे फिक्स कर रहे थे, मैंने उनको सेव करने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें उठाई। ये पता नहीं था कि ये स्कीमर है, ये मुझे यूज़ कर रहे हैं सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। दुनिया में ऐसे भी होता है। अल्लाह हाफिज़।